दोस्तों आइए, आज हम आपका और एक पिंडाल का दर्शन कराने के लेकर आए हैं। हम अभी उपस्थित हैं सलवा के बिल्कुल नजदीक और प्रेम बाजार से थोड़ा आगे गोपाली में। यह गोपाली का कितना सुंदर, कितना भव्य रूप से बना हुआ यह पिंडाल है, देखिए बहुत सुंदर। और इसका काम जो है आपका सोला और ये फलालिन का कपड़ा है, ये देखिए फलालिन का कपड़ा से बना हुआ पूरा पिंडाल का डेकोरेशन ही आपका थर्माकल और फलालिन का कपड़ा और ये स्पंज, इसको लेकर ये बनाया हुआ है जो कि देखने में एकदम बहुत सुंदर है। तो आप सभी दोस्तों से, खड़गपुर के तमाम निवासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग प्रेम बाजार जैसे आप लोग घूमने आओगे, ठीक उससे 2 किलोमीटर और आगे आइए, 2 से 3 किलोमीटर आगे में आइए, तो आपको यहाँ पंडाल ये नज़र आएगा। ये गोपाली है जगह का नाम। फिर से आपका आप सभी का स्वागत है हमारे खड़गपुर मोबाइल मीडिया में। तो आइए, खड़गपुर का टॉप 10 पंडालों में से एक पंडाल बाबूलैंड का, तो ये बाबूलैंड का पंडाल है। तो बाबूलैंड के पंडाल में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारा पंडाल का लोकेशन है खड़गपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में। और ये जैसे ही आप लोग खड़गपुर स्टेशन के से निकलोगे और बाई और मुड़ोगे तो आपको ये पंडाल नजर आएगा। तो आप
तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खड़गपुर मोबाइल मीडिया में। तो साथ में आइए, हमारे साथ में क्लब के सभी मेंबरान भी बने हुए हैं। तो आपसे इस पंडाल का मैं परिचय देते हुए सबसे पहले ये बोलूंगा, यह पंडाल हमारा खड़गपुर का आयमा में स्थित है, जो आयमा स्कूल आप सभी जानते होंगे, आयमा स्कूल के ठीक बगल में यह पंडाल बना हुआ है। तो खड़गपुर के तमाम निवासियों से अनुरोध करेंगे, आप सब जब यहाँ घूमने जाते हो तो इस पंडाल को मिस मत कीजिए। हमारे खड़गपुर मोबाइल मीडिया के माध्यम से इस पंडाल को अभी तो फिलहाल देखिए, और जिसको रियल में देखना वो भी आइए। तो इस रिक्वेस्ट के साथ साथ में, ये दुर्गा पूजा का जो पंडाल आप लोग बना रहे हो, ये कितने सालों से आप लोग बना रहे हो? 2009 से लगातार दोस्तों यहाँ बहुत ही खूबसूरत पंडाल एक से एक बनता हुआ आ रहा है, लेकिन खड़गपुर का जनता से यह पंडाल हमेशा अचूक रहा है। तो आपके ये पंडाल का बजट लगभग कितना तक होगा? 10 लाख का आसपास होगा। तो 8 से 10 लाख के आसपास का बजट दे रहे हैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राव स्वागत कर रहा हूँ खड़गपुर मोबाइल मीडिया में आप सभी का। तो जैसा कि हम लोग हर साल की तरह इस साल अपना खड़गपुर पूजा परिक्रमा स्टार्ट किए हैं, तो खड़गपुर पूजा परिक्रमा में आप सभी को शीश शारदीय का बहुत ही अभिनंदन और दुर्गा पूजा का शुभकामनाएं। तो हम लोग अभी आए हैं बलंचा के बालाजी मंदिर पल्ली उन्नयन समिति में, जो इस वर्ष 90 वर्ष इनका हो रहा है। तो आइए हम अब अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद में यहाँ का पंडाल आपको दिखाएंगे और यहाँ के पंडाल के साथ साथ में तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं फिर, और मेरे साथ हैं कैमरामैन गौरव दे और उनके साथ दे रहे हैं शिवा, जो आप बहुत पहले से जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे गेट पर कहा था कि अब अंदर का आपको नज़ारा दिखाऊंगा, तो आइए बालाजी मंदिर पल्ली उन्नयन समिति जो है सामने में। तो हम लोग इसका आपका पंडाल देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, रेड इंडियन थीम से बना हुआ है। तो आइए इसके अंदर में हम लोग आपको दिखाएंगे कैसा है क्या है। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ अंदर में। ये रहा, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा बना हुआ है, एक एक कार्ड एक एक सब कुछ देख कर तो मन मोह जा रहा है। देखिए मंडप का सजावट देखिए, चारों तरफ देखिए कितना सुंदर लगा हुआ है, हर तरह का इंतजाम है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक भक्ति भावना और हमारे पुराने कल्चर को दिखाता हुआ भारत का, जहां भारत का अलग अलग कलाओं के साथ में रेड इंडियन टाइम में कैसा हमारा भारत था आदिकाल में, हर मने मुनि परिवार सब कुछ कैसा था, वो सब आपको दिखा रहे हैं। तो इसके साथ में यहाँ का भगवान भी बहुत सुंदर बना हुआ है, तो आइए मेरे साथ बने रहिए। तो ये रहा देखिए एक कला का और एक नमूना। तो जैसा कि वहाँ आप पढ़ी सकते हैं, समाज मुखोधारी मानुषर संगे बेसी जरा प्रयोजन मुखेश पलटा है। तो इसका आपका सीधा मतलब ये है कि आज का जो समाज है और समाज जैसा दिख रहा है उसका ठीक विपरीत दिखता है एक, लेकिन होता है एक, सामने से भगवान लेकिन अंदर से शैतान। तो इस तरह का समाज हमारा आज का ज़माना में, तो इस चीज़ को मैसेज देता हुआ यह पंडाल बालाजी मंदिर पल्ली उन्नयन समिति का यह खूबसूरत सा थीम, बहुत ही सुंदर थीम है। तो आइए दोस्तों, तो अब हम आपको यहाँ का प्रतिमा का दिखाएंगे। प्रतिमा देखिए कितना सुंदर है यहाँ का। तो सीधा मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि यहाँ से होते हुए प्रतिमा को दिखाएं। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर यहाँ का आर्ट लेते हुए आपके साथ में भगवान का स्वरूप देखकर ही मन मुग और बहुत ही सुंदर यानी अति सुंदर, बिल्कुल छूने वाला है। तो दुर्गा माँ जी को हमारा खड़गपुर मोबाइल मीडिया की ओर से मैंने दिल से उन्हें हम प्रणाम करते हैं और हमारे दोस्तों के सभी के साथ में। तो आपको यह पंडाल देखकर कैसा लगा जरूर हमें कमेंट में लिखिए। तो इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे किसी और पंडाल में, तब तक हमारे साथ बने रहिए।
नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपसे वादा किया था बहुत ही जल्द हम दूसरे पंडाल में मिलेंगे। तो ये है हमारा खड़गपुर का प्रेम बाजार का दुर्गा पूजा पंडाल, जो हमारे सामने में उपस्थित है प्रेम बाजार के दुर्गा पूजा सार्वजनिक उत्सव के मेमरान और सेक्रेटरी साहब के समेत और क्लब इनके क्लब के और इनके सोसाइटी के सभी लोग। तो आइए इस पंडाल के बारे में हम उनसे और भी डिटेल में जानकारी लेते हैं और पूछते हैं कि कैसा क्या चल रहा है। तो सबसे पहले खड़गपुर वासियों को हमारा जो इस प्रेम बाजार का पंडाल है सेक्रेटरी साहब से रूबरू करवा रहे हैं। दादा आपका परिचय। मैं विप्लव विश्वास, प्रेम बाजार दुर्गा पूजा कमेटी का ज्वाइंट सेक्रेटरी। आपका दादा? मेरा नाम सुब्रत चंद्र, मैं कल्चरल सेक्रेटरी। मेरा नाम अहमद हुसैन, मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी पैनल में हूँ। मेरा नाम सुजीत जाना है, हम मेंबर। मैं सोमो बनर्जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी सुवेनियर जी। तो पंडाल के अलग अलग सदस्यों से तो आपकी मुलाकात हो गई है, तो पंडाल के हम विशेषता कुछ हम बात करेंगे। तो जैसा कि विश्वकर्मा पूजा होने के पहले ही पंडाल का मैंने खुटी पूजा हो चुका था, इतने दिनों की लंबी तैयारी से अब तक ये पंडाल इतना खूबसूरत बन पाया। तो दादा इसका थीम आप लोग कब से सोच के रखते हैं? ये हम लोग का थीम जिस 3-4 महीने पहले से हम लोग का सोचना था, ये सोचा था प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये जो शिव मंदिर बना हुआ है ये तो हूबहू मैंने जैसा फेसबुक में इसका फोटो आया था, ये एशिया का सबसे लंबा शिव मंदिर था। जी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। ये आपका जेटोली टेम्पल हिमाचल प्रदेश का सोलन एक प्लेस है, वहाँ का मंदिर शिव मंदिर। तो हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर है शिव मंदिर का, एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर, सेम टू सेम हूबहू खड़गपुर में अब आपके सामने में आ चुका है। आपको लगेगा नहीं बिल्कुल कि आप मने खड़गपुर में या हिमाचल प्रदेश में। तो आइए घूमते घूमते हम लोग सारा पंडाल अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो दोस्तों ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए, ये सबसे पहले हमारे शिव जी और उनके साथ में गणेश जी और पार्वती जी का सुंदर सा दर्शन कीजिए और इसी के साथ में आइए आगे भी चलते हैं। और क्लब के मेम्बरान भी हमारे साथ में है, तो आगे चलते चलते उनसे हम लोग बातचीत भी कर लेंगे। तो दादा आपका ये जो पंडाल है कितने मने बजट है इसका? टोटल बजट है हम लोग का 18 लाख अप्रॉक्स। हाँ टोटल बजट। तो ये दोस्तों 18 लाख का पंडाल है। तो खड़गपुर में मुझे पता है कि मैंने कवर भी किया था, तो पूरा मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट प्रतिमा का आपका अवार्ड मिला है। जी सही सुना है। तो ये आप इसके लिए प्रेम बाजार का जो कमेटी मेंबरान थे उन सभी को खड़गपुर मोबाइल मीडिया बहुत बहुत बधाई। जो थैंक यू। तो उस माँ दुर्गा का दर्शन हम लोग आपके साथ ही करना चाहते हैं, जो कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 है। तो आइए दोस्तों इनके साथ साथ में मैं आप लोगों को प्रेम बाजार का बहुत ही खूबसूरत सा पंडाल, देखिए आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगे कि सचमुच के किसी मंदिर में आप लोग प्रवेश कर चुके हो। ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए दोस्तों कितना भव्य और कितना समय। तो यह पंडाल बनाने में लगभग कितना समय लगा? 30 जुलाई को हम लोग खुटी पूजा हुआ था, तो लगभग अभी तो 3 महीना हो गया। तो 30 जुलाई का दोस्तों खड़गपुर मोबाइल मीडिया का पेज भी आप लोग खोल कर देखोगे, जिस दिन यहाँ खुटी पूजा हुआ था हमने उसका अपडेट दिया था। थैंक यू। तो इसके लिए आप सभी से भी गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस पेज को लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी इसमें जुड़ने के लिए बोलिए। और आइए अब मंदिर का इतना सुंदर नकाशी, इतना सब कुछ, इसका चीफ इंजीनियर थे, मैंने किसका दिमाग में आया था कि ये ऐसा बनाना होगा? देखिए एक तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक ने ये सिद्धांत लिया है। अच्छा। सब मिलकर ही कमेटी का हम लोग जितना सारे मेंबर है सब हम मिलकर ही बैठ के ये सब तैयार करते हैं। तो बनाया जो है वो डेकोरेटर जो है वो केसियारी का डेकोरेटर है, प्रिंस डेकोरेटर। अच्छा। और खास करके जिसके चलते हम लोग को सेरा प्रतिमा का जो ये मिला है वो है बनीचक से आता है, उसका वो आप जब देखेंगे तो उसमें दिखाएंगे कुशलध्वज बेरा उसका नाम है। अच्छा। जो पिछले करीब 9-10 साल से पिछले 9-10 साल से हम लोग का प्रतिमा बना के आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि नहीं, यहाँ प्रेम बाजार का अचानक ही मतलब
बहुत खूबसूरत पंडाल बना था कुछ साल पहले, प्रेम मंदिर के बाद में, फिर उसके बाद में आपका साउथ का एक मंदिर बना था मीनाक्षी टेम्पल। ऐसा करते हुए साल दर साल यहाँ बढ़ता हुआ आज इस मुकाम पर आया है कि जो हमें देखकर ऐसा बिल्कुल भी अभी महसूस नहीं हो रहा कि हम खड़गपुर में इसी हिमाचल प्रदेश के शिवजी के मंदिर में, और शिवजी के मंदिर का दर्शन तो हुआ है जो दोस्तों बाहर में आपको शिवजी भी देखे हैं। साथ में आइए जो जिला में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रथम पुरस्कार पश्चिम मेदिनीपुर जिला के ओर मिला है, तो उस प्रतिमा को और भी आपका इंतजार ना करवाते हुए सीधा हमें प्रतिमा का दर्शन करवा रहे हैं, तो कैमरा एंगल के साथ में हमें घूमते हुए आइए। तो देखिए दोस्तों माँ का वो अपरूप जो कि कितना सुंदर, ऐसे लग रही है माँ एकदम सच में वहाँ एक विराजमान है, हमसे बातें कर रही है और नजरें मिला रही है, आपको बहुत बहुत दिल को छू जाएगा दोस्तों। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का भी जो उनका चुनाव है, जो उन्होंने इस प्रतिमा के लिए पहला पुरस्कार जो जिला में दिया हुआ है, इस डिसीजन से एकदम हम भी खुश हैं, क्योंकि इतना सुंदर मूर्ति अब तक हम लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट घूम चुके हैं, कहीं भी नहीं देखे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का भी, और साथ में हमारा प्रेम बाज़ार के सार्वजनिक दुर्गा पूजा उत्सव के सभी मेम्बरान का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें अब तक समय दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि फिर अगले साल आप सभी से मुलाकात होगी, और चलने के लिए भी सबको धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हॉलीवुड सिटी ताल बगीचा में। तो ताल बगीचा का और एक अन्यतम बहुत ही सुंदर सा आपका पंडाल का दर्शन हम करवाने के लेके आए हैं। तो ये है ताल बगीचा का नेताजी व्यायामघर, जो हम सभी खड़गपुर वासियों के जुआ पर था कि नेताजी व्यायामघर एक बार जाना है, जरूर देखना। तो ये ताल बगीचा में है दोस्तों। तो यहाँ कलाकृति देखिए, मिस्र का पिरामिड का लिया हुआ थीम है, जो कि बहुत बहुत सुंदर है। देखिए कितना सुंदर सा ये एक एक प्रतिमा, एक एक बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग भारत में, आपको ऐसा लगेगा कि आप मिस्र देश में आ गए हो। तो आइए मैं आपका इसका अंदर का कला और अंदर की मूर्ति को आपको सभी को दर्शन करवाता हूँ। तो इसी के साथ में मैं अपने दोस्त के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, आप सब देखिए कैसा है ये पिंडाल, बहुत ही खास, बहुत ही सुंदर, और खड़गपुर का सबसे महत्वपूर्ण पंडालों में से एक, जो कि आप और हम ना कोई और, पूरा खड़गपुर घूमा और यहाँ ना आए तो उसका घूमना अधूरा हो जाएगा। तो इसलिए खड़गपुर वासियों से और एक बार हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमारे इस पंडाल में देखने के लिए जरूर रहिए। ये है ताल बगीचा का नेताजी व्यायामघर। तो आइए दोस्तों हमारे साथ में बने रहिए, देखिए एक एक कला और कला का दर्शन करते हुए, इस पंडाल की मूर्तियों का दर्शन करते हुए। तो कितना सुंदर से ये बना हुआ है, एक एक पिलर, एक एक ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया। तो इसके बाद एक एक सेगमेंट को बढ़ाते हुए, एक एक पल से हम जैसे आगे गुजर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी बहुत बहुत बढ़िया। तो इसी वजह से देखिए ये रहा अभी आपके सामने मम्मी जी, ये वही मम्मी है जिसका आपका और हमको बहुत इंतजार था देखने का। तो देखिए कैसा रखा हुआ है, सबसे अद्भुत और सबसे अनोखा। मिलिए एक और हमारे मम्मी से, देखिए कैसा लग रहा है, तारीफ़ काबिल और लाजवाब कारीगरी के साथ में हमारी इस मम्मी को रखी। देखकर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगे कि कोई एक
ये बना हुआ आपको देखकर ऐसा लगे कि रियल में कि उसी जमाने की मम्मी यहाँ पड़ी हुई है। तो आइए इसी के साथ साथ में तो देवी दर्शन के लिए भी हम आगे बढ़ते हैं। तो देवी दर्शन करते हुए पंडाल का हम आपको चारों तरफ घुमाएंगे कैसा है क्या है, तो आखिर में हम आपको लेकर जाएंगे भीतर। तो देखिए पंडाल का चारों तरफ देखिए कैसा है, आपको कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कहीं आप लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं क्या, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि दमामी पिक्चर में अगर आप लोग खो गए। जी वो दमामी में जो पिक्चराइजेशन में किया हुआ था मिस्र देश का पिरामिड का अंदर का वो नज़ारा, जिसे मिस्र जाकर तो हमें देखने का सौभाग्य नहीं होगा, लेकिन खड़गपुर में रहकर मिस्र का दर्शन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ की कलाकृति, यहाँ का ये एक एक चीज, एक एक कोना, एक एक इंच काबिल तारीफ बनाए हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ एक काबिल है। ये वही सैंडमैन, आपको जब मम्मी पिक्चर देखोगे तो आपको जरूर याद आएगा सैंडमैन, जो कि सब कुछ निकल जाता था, उसे भी यहाँ के मेम्ब्रांत ने बहुत ही बारीकी से एक भी चीज़ जैसा ना छूटे सब कुछ बनाया है। वो बाज भी यहाँ है और वो सब कुछ। तो देवी दर्शन भी अब हम आपको करवा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से ये मिस्र से आई हुई हमारी दुर्गा देवी, दुर्गा माँ का दर्शन करते हुए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो आइए आप देर न करते हुए, कितना सुंदर है देखिए यहाँ का, यह हमारा मिस्र की देवी दुर्गा देवी, ऊपर का कलाकृति से लेकर नीचे तक सब कुछ बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुंदर बना हुआ है दोस्तों। तो खड़गपुर से मिदनापुर के तमाम निवासियों से मैं एक ही चीज पूछता हूँ कि आप लोग खड़गपुर से मिदनापुर तक कई सारे पंडाल घूम कर आए होंगे, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको नेताजी ब्यामा घर का यह पंडाल कैसा लगा, कैसा लगा दोस्तों आपको बताना है। और बताने के साथ साथ में अब तक जितने भी लोग हमारे पेज से जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही में उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस पेज को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और हाँ दोस्तों आपको एक बात बताना भूल ही गया, खड़गपुर मोबाइल मीडिया जो हमारा पेज है इसको आप लोग जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अब तक यहाँ तक नहीं पहुँचे या फिर जो लोग घर से नहीं निकल सकते हैं उन्हें वे लोग हमारा इस वीडियो के जरिए इस पंडाल का दर्शन कर सकें। तो आप सभी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे पेज को ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ में शेयर करने के साथ साथ में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी बोलिए कि हमारे पेज को लाइक करें, ताकि आपका और हमारा प्यार इसी तरह से बढ़ता रहे। तो और एक बार मैं सभी दोस्तों से बोलूँगा कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें कि हमारा यह नेताजी ब्यामा घर का पंडाल आपको कैसा लगा। जैसा कि दोस्तों खड़गपुर का और एक बहुत ही सुंदर सा एक पंडाल में आप सभी को मैं लेकर आया हूँ। ये अभी हम लोग हैं खड़गपुर के स्थित तालबगीचा में, तालबगीचा का यह सबू संग क्लब है जो बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर थीम को लेकर बना हुआ है इस साल। तो इस साल का थीम है यहाँ का अवतार। जी हॉलीवुड फिल्म जो आप लोग कुछ साल पहले देखे होंगे अवतार फिल्म, उसी अवतार फिल्म को लेकर ये बना हुआ है। तो अवतार का ये देखिए वहाँ लिखा हुआ भी अवतार, और यहाँ लिखा हुआ कैनाडरा वर्ल्ड। तो दोस्तों आइए आपका वैसे भी तालबगीचा को हम लोग खड़गपुर मोबाइल मीडिया की ओर से एक नया नाम देते हैं, तालबगीचा मीन्स हॉलीवुड सिटी। जी हॉलीवुड सिटी मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि तालबगीचा का बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर सा पंडाल है, और यहाँ हॉलीवुड का अलग अलग मूवीज़ को लेकर बहुत ही बहुत सुंदर यहाँ बनता है पंडाल वेंडल। तो आइए दोस्तों तो अंदर का नज़ारा देखिए, मेरे साथ में बने रहिए। तो अंदर चलते चलते तो देखिए कितना सुंदर सा, ये ऐसा लग रहा है कि हम लोग अवतार सिटी में
आ गए अवतार जो फिल्म था, हमें लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कुछ अलग जगह पर हैं, कुछ अलग जगह पर आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसी मूवी के एक पार्ट बन चुके हुए हैं, जिस मूवी का हमने बहुत ही बेसब्री से किसी वक्त में इंतज़ार किया था। देखिए उसी मूवी का थीम सॉन्ग यहाँ बज रहा है, तो उसी तरह देखिए कितना सुंदर सा एक एक प्रकृति का छोटा छोटा ये बना हुआ है नज़ारा, तो वहाँ मैसेज भी सबको दिया हुआ है। देखिए कितना, आइए ऐसा लग रहा है कि ये जड़, ये पत्ते ऐसा लग रहा है बिल्कुल यहाँ, ऐसा लग रहा है कि ये इसी पेड़ से निकला हुआ है, लेकिन ये पेड़ ही है। तो आइए दोस्तों, तो अब हम लोग पंडाल के बहुत बहुत करीब पहुँच चुके हैं। तो पंडाल के इतने करीब में आते आते हम लोग देखें कितना सुंदर सा ये, ऐसा लग रहा है कि असल में घास लगा हुआ है, बिल्कुल असल में है, लेकिन ये असल में नहीं है दोस्तों। ये पंडाल का थीम ही कुछ ऐसा है कि आप लोगों को देख कर लगे कि सब कुछ असल, अवतार सिटी में हम लोग आ जाए। तो आइए, जिस तरह से मैं आपको बोल रहा था कि आपका यहाँ थीम के अनुसार में बना हुआ है, तो दर्शन कीजिए माँ का भी और पंडाल का भी। तो पंडाल का हम लोग दर्शन करते हुए तो देखिए कितना 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 मधुर और कितना सुंदर है। एक मिनट के लिए अगर आप आँखें अगर बंद कर लोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग किसी बाहर में हो, तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप लोग बाहर में नहीं, किसी सचमुच के अवतार फिल्म सिटी के आप लोग पार्ट बन चुके हो। तो आइए दोस्तों, तो देखिए यहाँ इस साल यहाँ 50वां साल मनाया जा रहा है, तो 50वां साल का ये सबूत संघ क्लब है जो तालबगीचा में स्थित है। तो मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि यहाँ बहुत ही अच्छे से फोकस करें, और देखिए कितना सुंदर से ये मूर्ति लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अवतार का वो हीरो हमारे सामने में आ गया है, ना नायक और नायिका जो थी। तो इसी तरह से हम लोग आपको आहिस्ता आहिस्ता करते हुए पंडाल का एंट्रेंस में आपको लेकर जा रहे हैं। तो पंडाल का एंट्रेंस देखिए कितना सुंदर सा बना हुआ है। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ में आगे भी बने रहिए। तो अपने पलकें एक पल के लिए बंद कर लीजिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, और एक पल के लिए अपने पलकें बंद करने के बाद में फिर से खोल कर देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप लोग कोई पंडाल देख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि हम सचमुच के अवतार सिटी में आ गए हो। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर सा ये माहौल बना हुआ है यहाँ, ऐसा माहौल, ऐसा सिचुएशन, ऐसा सब कुछ देखना, दो आंखों भी समाया नहीं जा रही है, दो आंखों में भी समाया नहीं जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये अवतार फिल्म आप लोग इसे भी देख चुके होंगे, जिसके ऊपर में बैठकर हमारे नायक नायिका पूरा करते थे, वो जानवर भी यहाँ बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पहाड़ से जो झरना बह रहा है, एकदम असल में झरना बहता हुआ आहिस्ता 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 करके आ रहा है, जो कि बहुत खास है। तो उसी तरह से मैं आपको और भी अंदर लेकर जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, देवी दर्शन के लिए माँ दुर्गा का दर्शन यहाँ करते हैं, थीम के अनुसार में कैसा बना हुआ है। देखिए यहाँ का एक एक फूल और पत्ती बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग किसी दूसरे जगह पर हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत 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 खास बना हुआ, दो आंखें नहीं समाई जा रही है, माँ का दर्शन का तो कुछ अलग ही बात हो रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, देवी दर्शन हम आपको यहाँ का करवा रहे हैं, तो कितना सुंदर सा बना हुआ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अवतार मूवी से निकल कर डायरेक्ट देवी माँ का रूप ले लियो। बहुत सुंदर, बहुत ही खास बना, बहुत ही सुंदर सा थीम है, जो जिसे देखकर हमें बहुत बहुत भरोसा हो रही है।
मैसेज था, जैसे हमारा वार्ड क्या बोलेंगे उसको, कुछ आदमी लोग जैसे नेचर को पूरा खत्म कर दिया था, वैसे ही खड़े